इस वक्त रमजानुल मुबारक का पाक महीना गुजर रहा है। लोग बड़े ही अकीदत के साथ दिन में रोजा रख रहे हैं और रात में लगभग सभी मस्जिदों में तरावीह की नमाज भी पढ़ी जा रही है। वैसे तो रमजान महीने के सभी रातों में तरावीह पढ़ी जाती है, पर तरावीह की नमाज में एक पूरा कुरान कहीं 10 दिनों में पढ़कर मुकम्मल की जाती है, तो कहीं 15 दिनों में, कहीं 21 दिनों में, कहीं 23 दिनों में, तो कहीं 27 दिनों में मुकम्मल की जाती है। सभी मस्जिदों के कमेटी अपने सहूलियत के हिसाब से दिन तय करते हैं। वहीं राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी निजाम नगर स्थित मस्जिद गौसुलवारा में भी एक मुकम्मल कुरान यानी के 30 पारे 15 दिनों की तरावी की नमाज में पढ़कर सुनाई गई। बता दें कि हाफिजो कारी मोहम्मद जियाउल हक ने पूरी कुरान शरीफ जुबानी सुनाई। मौके पर हजारों की संख्या में मुख्तदी हजरात शामिल हुए, जिन्होंने बड़े ही अकीदत और मोहब्बत के साथ पूरी कुरान सुनी। वहीं तरावी की नमाज मुकम्मल होने के बाद मस्जिद गौसुलवरा कमेटी की ओर से जलसे का प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कारी जियाउल हक के साथ मस्जिद के इमाम हजरत शेर मोहम्मद, मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद मुमताज, सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर अताई, खजांची मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद शाहरुख, उलमाए कराम और हजारों की संख्या में मुख्तदी हजरात मौजूद थे। जलसे के मौके पर नात शरीफ पढ़ी गई, उसके बाद कमेटी द्वारा कारी जियाउल हक को बेहतरीन तोहफे देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद और मुअज्जिन व अन्य को भी तोहफे पेश किए गए। आखिर में देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए लंबी दुआ की गई। दुआ के बाद मस्जिद कमेटी की जानिब से लंगर बांटे गए। वही लंगर लेकर लोग खुशी खुशी अपने घर गए। Yeah.
لیجئے بھائی لیجئے